आई हैव डन ग्रेजुएशन इन मेडिकल विद सब्जेक्ट केमिस्ट्री जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी 3 ईयर वेरी गुड मास्टर इन माइक्रोबायोलॉजी प्रेफरेंस इन गवर्नमेंट जॉब प्लीज रिप्लाई विच सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इज गुड फॉर मी। आपके लिए गुड नहीं बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, लेकिन आपकी प्रेफरेंस क्या है वो डिपेंड करना पड़े मतलब उस पर डिपेंड करेगी। ग्रेजुएशन में आपने ये 3 सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, तो अगर आप टीचिंग ऑफ साइंस लेते हो क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो TGT में, अगर ये रहा कलर चेंज कर लूँ, हाँ TGT में जाना चाहते हो, TGT के लिए आपका बेस्ट बन रहा है केमिस्ट्री भी जूलॉजी बायो, तीनों के 2 साइंसेज आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए ना। दूसरा आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, ये भी मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, 2 साइंस में से मिनिमम आपने पढ़ी है तो आपको टीचिंग ऑफ साइंस मिल जाएगा। टीचिंग ऑफ साइंस लेते हो तो आप TGT के लिए डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। दूसरा आपने पोस्ट ग्रेजुएशन माइक्रोबायोलॉजी की हुई है, ये आपको लाइफ साइंस की तरफ लेके जाते हैं अगर आप जाना चाहते हो PGT के लिए। अगर आप पेडागोजी ऑफ लाइफ साइंस लेते हो और आप PGT के लिए एलिजिबल होना चाहते हो, PGT के लिए मीन आप 11वीं 12वीं को टीच करने के लिए एलिजिबल बनना चाहते हो, देन आपको लाइफ साइंस जरूर लेना होगा। आपके कॉम्बिनेशन ये देख लेते हैं हम, यहाँ पर जो प्रॉस्पेक्टस में दिए गए हैं जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी लेगी, तो ये आपके पास बायोलॉजी नहीं क्या थे आपके पास केमिस्ट्री जूलॉजी बायोटेक्नोलॉजी है ना, ये रहे वो लिस्ट जिसके बेस पर लाइफ साइंस मिलती है, तो आपको डायरेक्ट मिल रही है आपकी माइक्रोबायोलॉजी ये रही। ओके, माइक्रोबायोलॉजी है तो आपको साइंस भी डायरेक्ट मिल रही है। अब साइंस और लाइफ साइंस का अगर कॉम्बिनेशन है, ये देखिए आपने अच्छा किया क्वेश्चन पूछ लिया, ये BSc मेडिकल है, आप ये साइंस और लाइफ साइंस का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। अगर आपने जब कॉलेज चूज करना है तो बेस्ट आपके लिए ये होगा, साइंस के हिसाब से आप TGT के लिए एलिजिबल हो गए हो, और लाइफ साइंस अगर ले लेते हो ऑलरेडी आपकी वो पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप PGT के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका साइंस और लाइफ साइंस बन रहा है। आप ये वाला कॉम्बिनेशन साइंस और लैंग्वेज वाला अवॉइड कीजिए। मान लीजिए आपको पंजाबी या इंग्लिश दे दी जाती है, आपको कॉलेज अच्छा मिल गया लेकिन ये आपको कॉम्बिनेशन मिला है, तो मैं ये कहूंगा कि ये कॉलेज प्रेफर मत कीजिए, ये वाला कॉम्बिनेशन प्रेफर कीजिए। अगर आपको दूर कॉलेज में जहां यहां पर आपको सेटिस्फेक्शन कॉलेज की कम है वो आप टॉलरेट कर लीजिए, लेकिन कॉम्बिनेशन ये बेस्ट रहेगा। कारण बेस्ट का क्या है कि आपने 3 साल आपने बता ही दिया पड़े हुए हैं, जब गवर्नमेंट जॉब की एलिजिबिलिटी होती है तो मैं वो भी दिखा देता हूं आपको, तो आपको और कुछ भी एडिशनल नहीं करना पड़ेगा। आप बीएड करने के एकदम बाद ये बीएड आपकी हुई और आपकी गवर्नमेंट जॉब की एलिजिबिलिटी ये बन गई। अदरवाइज अगर ये करते हो तो एक तो आपका फील्ड शिफ्ट होता है, दूसरा आपको एडिशनल सब्जेक्ट फिर करने पड़ेंगे। हाँ, ये कॉम्बिनेशन करने के बाद बीएड में पेडागोजिकल सब्जेक्ट रखने के बाद, आप बीएड करने के बाद आप अगर एडिशनल देना चाहते हो वो आप कोई भी दे सकते हो। गवर्नमेंट जॉब के नॉर्म्स एलिजिबिलिटी फॉर TGT मास्टर कैडर साइंस मेडिकल क्लास ग्रेजुएशन में आपने बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, इनमें से 2 सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो BSc ऑनर आइदर ऑफ दीज सब्जेक्ट, कोई ऑनर सब्जेक्ट आपका चाहिए। अगर ये नहीं है, तीसरी ऑप्शन BSc लाइफ साइंस, BSc फिजिकल साइंस, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc ऑनर्स, BSc इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, BSc माइक्रोबायोलॉजी, मेरे ख्याल में यही की है ना आपने, BSc माइक्रोबायोलॉजी, यस, तो ये आपने की हुई है, यहां पर हमने पकड़ लिया ये नहीं, मेरे ख्याल में ग्रेजुएशन में आपके अच्छा केमिस्ट्री जूलॉजी बायोटेक्नोलॉजी, BSc माइक्रोबायोलॉजी, BSc बायोफिजिक्स, BSc बायोकेमिस्ट्री, BSc माइक्रोबायल फूड टेक्नोलॉजी केमिस्ट्री, BSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और BSc फूड साइंस एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड BSc माइक्रोबायल फूड टेक्नोलॉजी एंड अदर इक्वलेंट क्वालिफिकेशन।
तो ये आप रीड करके आपको पता चल गया होगा आप कौन सी बीएससी करके आए हो और आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए डायरेक्ट एलिजिबल बनते हो। पीजीटी के लिए मैंने बता दिया है कि आप अगर लाइफ साइंस लेते हो तो ही आप एलिजिबल होंगे। ये टीजीटी के लिए था, तो मेरे ख्याल में बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए साइंस और लाइफ साइंस ही है। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।